नमस्कार, मैं आपका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 पर। मैं इंद्र राजा कुछ खास। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस अधीक्षक के चहेते बने मऊ कोतवाल घटना के ऊपर घटना हो रही है, फिर भी नहीं हो रहा है स्थानांतरण। समाज सेवी मनोज सिंह राठौर। कब रुकेगा जिले में अपराध का ग्राफ, आए दिन घटनाओं को देखकर लोगों के बीच में दहशत का माहौल। चोरों को नहीं है वर्दी का कोई खौफ, चोरी के मामले में मऊ बरगढ़ थाना क्षेत्र बना हुआ है सुर्खियों में। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन का छूट रहा पसीना, पुलिस विभाग पर खड़े हो रहे सवालिया निशान। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट जिले के मऊ और बरगढ़ थाना क्षेत्र की, जहां के थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में आए दिन हो रही चोरियां तथा अपराध पर लगाम लगाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। लेकिन चोर हमेशा की तरह पुलिस को चकमा देकर बखूबी अपनी चोरी को अंजाम दे रहे हैं। मऊ क्षेत्र में चोरी और अपराध के चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। लोग डरे सहमे हुए हैं कि कब चोर उनके घर को लूट ले जाएं। जहां चोर और अपराधी पुलिस विभाग के लिए नासूर बन चुके हैं, वहीं चोरों तथा अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस विभाग की इसी नाकामी के चलते चोरों और अपराधियों के हौसले बुलंदी आसमान पर है। एई कला के कृष्ण देव शुक्ला ने बताया कि तारीख 4/9/2020 की रात्रि 12 से 4 बजे के बीच चोरों ने घर के पीछे लगे खिड़की को तोड़कर उनकी आटा चक्की पर रखे गुल्लक संदूक को चोरी करके भाग गए, जिसमें लगभग 10,000 रुपये, 2 मोबाइल, जरूरती कागजात, डायरी, बही खाता इत्यादि को चुराने में चोर सफल हो गए। फिलहाल पीड़ित कृष्ण देव शुक्ला ने मऊ थाने में जाकर अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। तो वहीं अब देखना है कि क्या चोरों को पुलिस पकड़ने में होती है कामयाब या फिर FIR की फाइल दबकर रह जाएगी। रिपोर्ट भारत भूषण शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, चित्रकूट, कार्यालय का पता शंकर बाजार काली देवी मंदिर के पास। नाम है आपका? कृष्णदेव शुक्ला। कहाँ रहते हैं? मवाई कला। क्या समस्या लेकर आए हैं मऊ कोतवाल? हमारे चक्की घर 42 साल से बना हुआ है, उसी में रहते थे। पीछे का जंगला तोड़ के हमारी चेकी पैसे की, 2 मोबाइल, मोटरसाइकिल की चाबी, बही खाता, रजिस्टर वगैरह सब जितना सामान उसमें था पूरी पेटी ही उठा लिया। पीछे का जंगला तोड़ के हम सामने लेटे थे। कौन उठा ले गया, कुछ पता चला? अब देखा तो किसी को नहीं है। मैं कुछ शंका होती जो 100 मीटर पीछे घर हैं, 2-3 लोग रहते हैं संदिग्ध में, उन्हीं की शंका होती है। तो आपने मऊ कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया चोरी का? हाँ। क्या बोला गया? चलिए पुलिस भेजेंगे हैं। अच्छा, क्या क्या गया है चोरी में? 940 रुपया शाम के, 9,040 रुपया शाम के मैंने गिना था। कुछ रेजकारी पड़ी थी जो भी 100, 200, 400 से की रही हो, चक्की घर है, आती जाती रहती है, उसको नहीं गिना था। कुछ छोटे छोटे कीमती पार्ट थे इंजन के, नए गए थे तो उसी पेटी में रखे थे, कागजात थे उसी में, वही खाता था, रजिस्टर था, चाहिए ना, सब चला गया, जो मोबाइल थे सब चला गया। हाँ, पूरी पेटी उठा ले गए, जो जो सामान रखा था।